स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग फंडामेंटल राइट्स। एज वी नो, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ सिटीजन और एनी ह्यूमन बीइंग। सो दे आर बेसिक राइट्स ऑफ ए पीपल ऑफ और इंडिविजुअल। देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ देम इज राइट टू इक्वलिटी, विच वी डिस्कस्ड इन अर्लियर वीडियो, एंड the second was right to freedom. Right to freedom gives us right to express our views, express and give the speech on the any issue, and the right to move freely anywhere in the country and reside any part of the country. And this also gives us right to form an association. Students, these all rights are under the restriction, and all activities done by the human being or the individual must be legitimate, either it be association or expression or any profession. All these things must be legitimate. यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको ये समझना होगा कि जो ये फ्रीडम का राइट है, ये एब्सोल्यूट तरीके से नहीं दिया गया। इसके लिए ये जो राइट्स दिए गए हैं, ये लेजिटमेट होने चाहिए, लीगल तरीके से यूज़ की जानी चाहिए। आपको कहीं भी घूमने का मतलब है कि वो लीगल तरीके से हो। कोई भी स्पीच देने का मतलब है वो आप लीगल स्पीच होनी चाहिए, किसी का डिफेम करने का स्पीच नहीं होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन रिफर्स द टेकिंग अनड्यू एडवांटेज फ्रॉम एनी इंडिविजुअल। सो our constitution prohibits and give the right to every poor or helpless people the right against exploitation. No one can exploit other people or take advantage of their poor condition. किसी भी person की poor condition का कोई या helpless condition का कोई भी person फ़ायदा नहीं उठा सकता या उससे exploit नहीं कर सकता। exploitation का सीधा मतलब है कि उससे किसी गरीब से या हेल्पलेस पीपल से या माइनर बच्चे से अगर हम ज़बरदस्ती कोई काम कराएं और उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉयटेशन। इन अर्लियर टाइम्स देर वाज फोर्स्ड लेबर इन आर कंट्री। हमारे यहाँ पहले बंधुआ मजदूरी हुआ करती थी। ये सब एक एक्सप्लॉयटेशन का ही एक फॉर्म था, विच इज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन। And our constitution also prohibits the working of minor child. किसी भी minor child को भी अभी हम किसी job में, किसी hazardous job में, खतरनाक काम में employ नहीं कर सकते। Now the next one is right to freedom of religion. It is also very important right. As we know, India is a secular country, and right to freedom constitution provide to all citizen of the country, whether it be majority or in minority. हर रिलीजन के लोगों को अपने राइट को फुली प्रोपागेट करने का और पूरी तरह से प्रैक्टिस करने का राइट है। इन द आइज ऑफ द लॉ, ऑल रिलीजन आर इक्वल, एंड ईच वन ऑफ अस शुड पे रिस्पेक्ट टू द अदर रिलीजन। हर व्यक्ति को किसी भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और कोई भी एक रिलीजन किसी दूसरे रिलीजन को डिफेम या किसी तरह से प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। नाउ ऑल रिलीजन इन आर कंट्री आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। द नेक्स्ट राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। एजुकेशनल राइट, आवर कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the right of each group of people to establish and maintain educational institution in its own order to prepare and develop the language and culture. यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देना होगा कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं, कई ऐसे सोसाइटीज़ हैं हमारे कंट्री में जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए या उसको प्रिजर्व रखने के लिए या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए, आप संस्कृत कॉलेज बनाए जाते हैं, मुस्लिम लोगों के लिए मदरसा बनाया जाता है, ये सब हमारे कल्चरल
एंड एजुकेशन राइट्स के अंडर में ही हैं, जहाँ पर उनको उनकी जो उनका पर्टिकुलर रिलीजन है उसकी एजुकेशन दे सकते हैं, और ये सब गवर्नमेंट के एक परमिशन के अंडर में होता है, और ये सब राइट कॉन्स्टिट्यूशन दे सकता है, और इसमें वो सारे उसको कहते हैं हर तरीके से आगे भी बढ़ाने के लिए, उसको फंडिंग करने के लिए सारे राइट इसमें दिए जाते हैं। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट गिवन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये संविधान की आत्मा कही जाती है, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज नहीं होंगी तो हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है कि अगर किसी भी पीछे दिए गए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, इफ़ एनी ऑफ देम इज वायलेटेड बाई द एनी इंडिविजुअल और गवर्नमेंट, देन द पर्सन इन ग्रीवेंस कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द कोर्ट्स, आइदर इट बी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डायरेक्ट हम रिलीफ पा सकते हैं, और तुरंत जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और फिर उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट उसको सुप्रीम कोर्ट और या हाई कोर्ट में उसको हम रिट के थ्रू रिलीफ पा सकते हैं। ऑल दीज राइट्स आर बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ। ये हर अथॉरिटी के ऊपर बाइंडिंग है, कोई भी ऑर्गन हो वो किसी भी पीपल के अगेंस्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो राइट्स दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स इसको वायलेट नहीं कर सकता। नाउ नाउ हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द यूनिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर आर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इट इज़ टोटली फॉर द गवर्नमेंट इन एक्शन। जो भी गवर्नमेंट होती है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए कि उसको कैसे काम करना है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एक सेक्शन होता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव सम डायरेक्शन इन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन टू द पीपल। दीज पीपल हेल्प द गवर्नमेंट टू मेक सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन द कंट्री। दे डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क टू रिड्यूस फॉर रिड्यूसिंग द पॉवर्टी इन मासेस एंड ब्रिंग इकोनॉमिक सोशल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बेस पर ही ये एक जस्ट एडवाइजरी होती है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई इसका बाइंडिंग नहीं होता, लेकिन ये एक एडवाइजरी की तरह से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं ताकि गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन मिल सके कि उसको जनता के वेलफेयर के लिए कैसे वर्क करना है। एंड इसी के इश्यूज़ पर जैसे ये हमको रूरल एरियाज में लोगों को एम्प्लॉयमेंट वगैरह 100 डेज का कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट स्कीम, मनरेगा वगैरह जो स्कीम चलती है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ही डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है। नाउ स्टूडेंट्स, इट वाज द लास्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वे होल चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप एंड आई विल एक्सप्लेन द ऑल दोज क्वेश्चंस एंड we'll give a separate video for that. Okay, thank you.